Right now, we are with Shri Munjal, Dalal of Gujarat Cotton Corporation, one of the leading exporters of cotton in India. He has been one of the prominent exporters of Indian cotton to Bangladesh and other importing countries. Welcome, Munjal bhai. Yeah, I am Ekdam fine. So, Munjal bhai, abhi 2018-19 ka season ka first quarter ho chuka hai. Yes. Ab January 2019 mein hai, hum log bahut ummeedon se is saal ki shuruaat ke liye ruke hai ki teji kab aayegi ro mein. To aapka kya view hai? See, cotton ke andar teji aana ye time pe abhi bahut mushkil hai. Okay. Kyunki अभी पूरा कॉटन प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है right. और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है right. तो इसके चलते अभी तेजी आना अभी नहीं कह सकते, ये प्राइस और भी नीचे जा सकता है. अच्छा, इस लेवल से और भी नीचे जा सकता है. okay. क्योंकि अभी इंडियन कॉटन प्राइस वर्ल्ड में इंडियन कॉटन प्राइस का सबसे महंगा कॉटन है अभी वर्ल्ड के अंदर क्वालिटी के चलते. तो अभी उसमें तेजी निकालना अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अभी बांग्लादेश चाइना कहीं से डिमांड नहीं आ रहा है. ओके. तो इंडिया का कॉटन अभी इंडियन मिल्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. मर्चेंट अभी कोई बाइंग में नहीं है. मर्चेंट इंडियन कॉटन में अभी मर्चेंट सबसे चीप प्राइस सेलर है. राइट. तो हमारे पास भी कोई डिमांड है नहीं. तो वी हैव टू वेट. If ice goes up, then only we can get some chance. Okay. But ice is going down and down. Yeah, ice is going down and down. तो अभी Indian cotton थोड़ा confusing है. ये level पे buying call भी नहीं ले सकते और as a exporter selling करना भी मुश्किल है और buying करना भी मुश्किल है. Right. तो हमारा जो थोड़ा बहुत sale किया हुआ है पहले का तो उसका हम अभी shipment कर रहे हैं. Okay. पर अभी आपके हिसाब से इस गिरी हुई मार्केट में, मतलब जिस तरह अभी जीनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो बोलते इससे कम तो मार्केट हो ही नहीं सकता, अब तो एमएसपी लेवल पे है, तो इवन एट दिस लेवल्स डिमांड आपको नहीं लगता है जनरेट होगी? सी, आज ही हमारे काफ़ी सैंपल आए हैं जी, उसके अंदर लेंथ 27.5 से 28.5 आ रहा है. ओके. और माइक्रोनर में भी काफ़ी वेरिएशन है, 3.2 से 3.7 के माइक्रोनर है. ये सभी गुजरात शंकर सिक्स, गुजरात शंकर सिक्स के कुछ एरिया के. ओके. तो ये सब, ये कॉटन तो कोई सीसीआई लेने वाला है नहीं. राइट. तो ये कॉटन तो नीचे बिकने ही वाला है. बराबर. तो प्राइस गैप हो जाएगा गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी में, मतलब जो लो क्वालिटी है उसके अंदर. राइट. उसका ग्रेड अच्छा है, इस साल ग्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो इंडियन मिल्स कोई लो माइक्रोनेर कॉटन लेने वाला है नहीं, या लेगा तो उसका प्राइस कम होगा. आज की तारीख में अगर आप बिलो 3.5 माइक्रोनेर का कॉटन आपको 42 के अंदर भी मिल जाएगा. राइट. तो अभी ये लेवल पे तेजी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मंदी आ सकती है, मंदी आ सकती की वजह से और नो डिमांड की वजह से, पर तेजी आना, मुश्किल है. इंडियन कॉटन, इंडियन मिल्स का यान भी वर्ल्ड के लिए बहुत महंगा है आज की तारीख में. कॉटन भी महंगा है और यान भी महंगा है. चाइनीज मिल, इंडियन चाइनीज मिल यान इंडिया से 4-5 सेंट सस्ता बेच रहा है अभी. ओहो, जहाँ पे हम सोचते हैं कि बहुत महंगा कॉटन है, इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करेगा. इवन लास्ट वीक कुछ चाइनीज मिलों ने पाकिस्तान में भी यान बेचा है. ओह, ये तो रिवर्स हो गया. हाँ, ये रिवर्स पाकिस्तान. या दैट्स, मतलब इस साल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको एडजस्ट होते होते अभी 2-3 महीना और लग जाएगा. राइट. 2019 में अभी और चैलेंजेस बाकी है आगे. सी, अगर आप इंडियन कॉटन का क्रॉप देखते हैं तो ये प्राइस इज अ वेरी लो प्राइस. राइट. बट वर्ल्ड सीनारियो देखते हैं तो स्टिल इंडियन कॉटन ऑन हाई प्राइस. राइट. तो हमें एक्चुअली तो बिकॉज cotton is a global economy and commodity. We have to see the international price. Our MSP ne sab disturb karke rakha hai. Agar MSP nahi hota, right, to ye price 41-42 ke beech mein hota abhi. Right. At least hum sellable hote market mein. Haan, at least we can sell something. Mill can make money. Right. To abhi mill bhi lose, matlab jeaners ko bhi abhi बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक लेवल पे वो लॉस कर रहा है. राइट. दे आर नॉट मेकिंग मनी. राइट. सो लाइक
जिनों से सीजन की शुरुआत से रो रहे हैं बिकॉज मार्केट कंटिन्यूस कम होते जा रहा है और कपास में ज़्यादा कुछ मंदी आई नहीं. सी कपास में बहुत सपोर्टेड है बराबर, तो इसके चलते दे आर नॉट मेकिंग मनी और प्राइसेस नीचे जा रहा है. तो एमएसपी के चलते अभी फार्म कपास ऑलमोस्ट एमएसपी के नज़दीक बिक रहा है अभी, तो फार्मर भी फॉर्म है, उसको भी सस्ते में नहीं बेचना है. राइट, क्योंकि उसको सपोर्ट तो है, उसको उसको मालूम है कि ऑलमोस्ट एमएसपी का प्राइस बिक रहा है तो वो क्यों बेचेगा. तो स्पिनर्स भी नहीं पैसे कमा रहे, मतलब एक्सपोर्ट में नहीं लेकिन भी डोमेस्टिक के हिसाब से आपको नहीं लगता है कि आपके जो अच्छे स्पिनर्स होंगे वो. स्पिनर्स इज सी मीडियम लेवल स्पिनर्स इज मेकिंग मनी, नॉट मेकिंग मनी मीन्स दे आर नॉट लूजिंग मनी. ओके, लेकिन जो बड़ा स्पिनर्स है दे हैव टू सेल यार्न इन एनी प्राइस, मतलब उसको कंपटीशन में खड़ा रहना तो उसको एक दो रुपये नीचे करके माल बेचना ही पड़ता है. ओके, दे आर नॉट मेकिंग मनी एक्चुअली. एक्चुअली अगर तेजी आनी है तो बड़े लोगों से आएगी, छोटे स्पिनर कभी छोटे स्पिनर से तेजी नहीं आएगी. राइट, बाकी तेजी मंदी तो ये सीजन में तेजी मंदी करना अभी थोड़ा रिस्की हो जाएगा. राइट, नाउ एज एन एक्सपोर्टर विद सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप काफ़ी सालों से कर रहे हैं और अभी बांग्लादेश के आप एक लीडिंग एक्सपोर्टर, मेरे ख्याल से इंडिया के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स में आपका नाम पहले आएगा, तो अब कैसा बिहेवियर लग रहा है बाहर की कंट्रीज का, वो कब कॉल ले सकते हैं, क्योंकि आपने क्या प्लान किया है कि अगले अभी तो 9 महीने सीजन में बाकी है. सीधे बिग टाइम, अभी बहुत टाइम बाकी है सीजन के अंदर जी. और बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है कि कोई भी प्राइस में वो उसका थोड़ा थोड़ा डिमांड रहता है. ओके, लेकिन वो दे आर डिमांडिंग जस्ट ऑर्गेनिक और BCI कॉटन. ओके, कन्वेंशनल, हाँ कन्वेंशनल वो अभी बाइंग करने में इंटरेस्ट नहीं है इंडिया से. okay. क्योंकि उसको वेस्ट अफ्रीकन ऑलमोस्ट इंडियन प्राइस से बराबर मिल रहा है, मे बी 1 सेंट चीपर देन इंडियन कॉटन. ओके, बेटर कॉटन है. हाँ, तो जो मिल्स है, जो बड़े बड़े मिल्स है, दे आर प्रीफर वेस्ट अफ्रीकन कॉटन. बट जो छोटे मिल्स है जिसको इमीडिएट डिलीवरी चाहिए, दे आर आस्किंग फॉर इंडियन कॉटन. ओके, बट उसका फाइनेंशियल पोजीशन भी ख़राब है जो छोटी मिल्स है. right. तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट लेवल ऑल्सो, कि वहाँ पे भी थोड़ा संभाल के बिजनेस करना चाहिए. right. और जो ट्रेडर्स है दे आर ऑल्सो बाइंग इंडियन कॉटन. बट हम ट्रेडर से बिजनेस करना लिटिल डिफिकल्ट है. तो वहाँ पे भी चैलेंजेस तो वहाँ पे भी चैलेंजेस तो है ही. तो अभी इन सब में अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके हिसाब से प्राइस ट्रेंड क्या हम एक्सपेक्ट. सी देयर इज नो एनी बुलिश फैक्टर इन फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ. ओके, पूरा न्यूयॉर्क फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आइस ऊपर जाएगा तो ही इंडियन कॉटन को कुछ सपोर्ट मिलेगा. ओके, अदरवाइज वी हैव टू वी कैन सी द मे बी लोअर प्राइस. ओके, इवन लोअर देन दिस लेवल. या तो इस सब का मेन रीजन आप ट्रेड वॉर को समझते हैं. मेन रीजन ट्रेड वॉर मेन फैक्टर है जी, क्योंकि अब इंडियन क्रॉप साइज देखते हैं तो इंडियन क्रॉप साइज काफ़ी कम है लास्ट ईयर से. राइट, मे बी 10-15% लोअर देन लास्ट ईयर. ओके, तो उसको देखते तो मेन रीजन इज ट्रेड वॉर. राइट, तो बाहर के तरफ देखें तो ट्रेड वॉर और इंडिया की तरफ देखें तो एमएसपी. नहीं, सी एमएसपी सपोर्टिंग द प्राइस एक्चुअली. राइट, ओके, तो एमएसपी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द इंडियन कॉटन प्राइस. एमएसपी इज प्रॉब्लम फॉर इंडियन कॉटन जीनर्स. ओके, बिकॉज जीनर्स आर सफरिंग ड्यू टू एमएसपी एंड फार्मर आर नॉट सेलिंग कॉटन. राइट, तो एमएसपी इज नॉट अ बेरिश फैक्टर. Bearish factor is just a trade war. Trade war, right, right. But it is still continuing to have a bad effect on the cotton economy at least. Yeah, yeah. Not only cotton. See, trade war impact lots of business. Hmm. But we are doing cotton. That's why now we are talking on cotton. Right. So, ये trade war के अंदर जो बड़ी-बड़ी mills हैं, उन्होंने काफी loss book कर लिया है. Okay. वर्ल्ड की जो बड़ी मिल्स है. mm-hmm. तो दे आर इन बैड शेप. तो अभी कॉटन को कोई सपोर्ट नहीं है. ओके, तो उससे उभरने में थोड़ा समय तो अभी टाइम लगेगा. राइट, राइट, लेट्स सी अभी क्या हो सकता है. नहीं, लेट्स ऑल होप फॉर द बेस्ट. या थैंक यू मुंजाल भाई फॉर योर एक्सपर्ट व्यूज. थैंक यू वेरी मच. वी विल कीप आवर
readers posted on what Munjal bhai and the leading exporters' views are for the cotton market 2019. Thank you. Thank you.